अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। और आपको रमज़ान का दूसरा शाब बहुत बहुत मुबारक हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो सहरी के बाद अब आपसे मुलाकात हो रही है इफ्तार में। तो अभी मैंने जी वाटरमेलन काट कर रख दिया है, क्योंकि जब तरबूज आ जाता है तो फिर कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रूट होता है कि ज़्यादा देर आप इसको नहीं रख सकते और लंबे टाइम तक इसको नहीं खा सकते, क्योंकि ये एक अजीब सी इसमें स्मेल से आ जाती है और अच्छा नहीं लगता फिर। तो बस मैंने आज ये काट लिया है और इसको अभी मैं इससे रैप करके प्लास्टिक रैप से मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि इफ्तार तक ये अच्छा खासा ठंडा यख हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि जितना ठंडा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कल के ब्लॉग में आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी विशेज़ दी मेरी बर्थडे पे, थैंक यू सो वेरी मच गाइज। सो जी, आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया इतनी ज़्यादा दुआएं, इतना ज़्यादा प्यार देने का। और कुछ मेरी सिस्टर्स हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे मेरा व्लॉग्स देखते हैं, तो उन सब बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। एंड यस, मासी लव यू गाइज। और मैं उनके खाला ही लगी रिश्ते में, तो फिर मासी लव यू गाइज सो मच। तो छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं मेरे व्लॉग समझ में आते होंगे कि नहीं आते होंगे, लेकिन अक्सर जब माएँ देखती हैं तो बच्चे भी साथ वही चीज़ देखते हैं। तो अगर वो मेरा व्लॉग देखते हैं, मेरी आवाज़ से फेमिलियर हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार। तो जी, अभी बन रहे हैं आलू के पकौड़ों के, आलू काट दिए हैं, उसका बैटर रेडी कर रही हूँ मैं। और मैं इन आलू के पकौड़ों से तो बस अभी थक गई हूँ, लेकिन घर वालों को ये डेली के डेली चाहिए। और आप लोगों के घर में भी कल मैंने पूछा था तो काफ़ी लोगों ने यही बोला कि फ्रूट चाट, आलू के पकौड़े, दूसरे पकौड़े, इस तरह की चीज़ें उनकी टेबल पर होती हैं। एक बहुत ही यूनिक सा था, वो था जी काले चने की चाट, या काले चने बोले थे, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट सा था, क्योंकि मैंने आज तक नहीं बनाए। तो खैर, मैंने बैटर रेडी कर दिया है। अब मैं ये पालक लेके आई थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है जब इसी मिक्सचर में आप पालक के पत्तों को फ्राई करते हैं, तो बहुत ही क्रिस्पी सी बनती है और बहुत मज़े की लगती है। तो बस इसके बड़े बड़े पत्ते जो हैं वो मैं निकाल लूँगी, उसकी जो डंडियाँ हैं, स्टेम्स हैं, उनको मैं अलग कर दूँगी, और बस इसको भी सेम इसी बैटर में हम लोग डिप करेंगे और फुल हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी से बन जाते हैं। तो बस इसको मैं अभी छांट लेती हूँ, फिर इसको धोकर ड्राई कर लेंगे और अलग से रख देंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। Marilah saling
मदई फरदी शहरी रम बनी हदी सनती फरदी लही فرضي شهري رمضاني هذه سنتي فرض لله تعالى ديولا رمضان إني مرلاه ملاتف ديري موغا بسا منجلاني إنغا آخر نانتي آمين اللهم آمين आलू के पकौड़े हो रहे हैं फ्राई, और यही पकौड़े हैं जो कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं ज़्यादा कुक होने में, बकाया तो सारे झटपट रेडी हो जाते हैं। तो पहला अशरा कहाँ गया पता भी नहीं चला, छपकते आंखें छपकते हुए चला गया, मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि एक तो ये लॉकडाउन की वजह से डेट क्या है दिन क्या है कुछ पता नहीं चलता। जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन भी हमें याद ही नहीं था मेरा बर्थडे, और अब आजकल ऐसे हालात आ गए कि मुझे ये नहीं पता होता कि आज दिन कौन सा है। यूजली हमारे यहाँ पे पहले फ्राइडे को ऑफ होता था, तो हमें पता था कि यार आज थर्सडे है, वीकेंड है, कल फ्राइडे है, लेकिन अब तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कौन सा दिन है। और अब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आज कौन सा दिन है। क्या आपके साथ भी इस तरह हो रहा है? क्योंकि बिल्कुल भी बाहर आना जाना नहीं हो रहा, मैं तो सिर्फ ग्रॉसरीज करने जाती हूँ, उसके अलावा मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाती और किसी से इंटरेक्शन भी नहीं होता, और कुछ समझ नहीं आ रही कौन सा दिन है कौन सा दिन नहीं है। बल्कि हस्बैंड भी मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आज कौन सा दिन है, और मैं उनसे पूछ रही होती हूँ कौन सा है, फिर हमें फ़ोन में देखना पड़ता है कि अच्छा जी आज ये दिन है। तो कुछ हालात इस तरह के हो गए हैं, और अब उम्मीद है, उम्मीद की किरण नज़र आई है कि ऐसा ही सही है, कोरोना नीचे जाता जा रहा है, और बस इंशाल्लाह मैं कहती हूँ जैसे माह रमज़ान हमारा मुकम्मल हो तो बस इससे भी हमारी जान छूट जाए और हम नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाएं, क्योंकि अब वाकई में इसी लाइफ में रहने की आदत ही पड़ गई है। और आई डोंट नो आप लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले हम बाहर जाते थे तो हम लोग बिल्कुल भी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे, लेकिन अब जैसे हम लोग बाहर जाते हैं एक दिमाग में यही चीज़ होती है कि इस चीज़ को टच नहीं करना, या अगर इसको टच कर लिया है तो हाथ को जल्दी से साफ़ कर लें, या किसी से कोई चीज़ नहीं पकड़नी, या किसी चीज़ को टच नहीं करना। आई मीन कि आपका दिमाग उसी में ही घूमता रहता है और आपको कुछ और समझ में नहीं आता, या आपको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता। जी ये पालक के पकौड़े मैंने डाल दिए हैं, और एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये जो कोरोना आया है इससे एक चीज़ तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है, और वो चीज़ हमें ये समझ में आई है कि ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने के लिए शॉपिंग, फजूल खर्ची, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, बाहर घूमने जाना, मूवीज़ देखना, या फजूल हाइटीज़ और ये वाली चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। तो शायद ये इस चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हम दुनिया के जगमग में सब खो चुके थे और इसी में ही हम सब खुश थे, लेकिन इस कोरोना ने हमें ये बहुत अच्छे से बता दिया है कि एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शॉपिंग किए बगैर भी हम रह सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खाए बगैर भी हम रह सकते हैं, और फजूल खर्चे किए बगैर भी हम रह सकते हैं। बस अगर ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने के लिए कुछ चाहिए तो वो आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी सेहत है, आपकी फैमिली है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक इन लास्ट 2-3 मंथ्स में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसने कोई फजूल शॉपिंग की होगी, या जिसने शॉपिंग हॉल सिखाए होंगे, या जिसने बहुत ज़्यादा कुछ ख़रीदने की कोशिश की होगी। आई थिंक हम सब इसी चीज़ में ही उलझे रहे हैं कि बस ग्रॉसरीज हों घर पे, खाने पीने का सामान हो, बस यही सब चीज़ें हों, और इसी से ही हमें मतलब था और इसी से हमारा मकसद था, दैट्स इट। तो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझी है कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, आपकी सेहत, आपकी फैमिली, दैट्स इट। इसके अलावा आपको बाकी सब चीज़ों की बिल्कुल कमी महसूस नहीं हुई, मुझे तो किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, आप लोगों ने भी बहुत सी चीज़ों की कमी महसूस नहीं की होगी। तो ये डोज मिलना हमें बहुत ज़रूरी था, एक रियलिटी चेक मिलना हमें बहुत ज़रूरी था, जो कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि वे बंदे ये है ज़िंदगी,
और मैं ही हर चीज़ पे कादिर हूँ और मैं ही हर चीज़ का मालिक हूँ। तो ये चीज़ें हमें बहुत देर पहले समझनी चाहिए थी, लेकिन इंसान है, इंसान नहीं समझता। तो अब भी जब लाइफ नॉर्मल होगी, फिर हम इसी दुनिया के जगमग में गुम हो जाएंगे, फिर हम सब ये भूल जाएंगे कि कभी के कोरोना भी आया था। लेकिन अभी के वक्त में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इस चीज़ से एग्री ना करे कि उसको एक रियलिटी चेक मिल गया है कि ज़िंदगी क्या है और कहाँ हमने लौट कर जाना है और हमारी ज़िंदगी का मालिक कौन है। खैर, मैंने काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि इस पर बात करूं, तो फाइनली आज मैंने इस पर बात की है। अगर आप लोग भी इससे एग्री करते हैं तो नीचे ज़रूर बताइएगा कि ज़िंदगी गुजारना, एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजरी जा सकती है, वो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है। तो खैर जी, पालक के पत्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं, अभी मैंने इसमें रोल एंड समोसे डाल दिए हैं, और आज मैंने सिर्फ फ्रूट काटा है और बस यही चीज़ें हैं और ड्रिंक्स होंगे, दैट्स इट। ये मेरा इफ्तार होने वाला है तो जल्दी से इनको फ्राई करते हैं और फिर लेके चलते हैं इफ्तार टेबल। شهري رمضاني هذه سنتي فرض لله تعالى ليلا ينسجي مري رسال منبري هلاكن إيري dan dengki karena Allah semata نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضاني هذه سنتي فرض لله تعالى ديولا penuh ampunan marilah saling memaafkan hilangkan benci dan dendam karena Allah semata نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضاني هذه سنتي فرض لله تعالى सो ये रहा आज का हमारा इफ्तार, और आपसे एक आदत सी हो गई है मुझे आप लोगों के साथ सहर और इफ्तार शेयर करने की। तो जब रमज़ान ख़त्म होंगे तो आई एम गोना मिस दिस। और जी, ये आज का व्लॉग था। अगर आप भी एग्री करते हैं मेरी बातों से तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू टुमारो गाइस विद अनदर व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।